प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी 31 अक्टूबर के बाद क्या समाप्त हो जाएगी? क्या जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगवा लिया है या फिर सोलर सिस्टम का भुगतान कर दिया है, अब उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी? यह सवाल इसी सप्ताह पीएम सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर आ रहे एक संदेश के कारण कई लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट सूर्यघर.gov.in पर एक संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी उपभोक्ता 31 अक्टूबर 2024 तक सब्सिडी का क्लेम अवश्य कर लें, तभी वह सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद ऐसे लोग जिन्होंने सोलर सिस्टम के लिए भुगतान कर दिया है या फिर अपने घर पर सोलर लगवा लिया है लेकिन अभी नेट मीटरिंग नहीं हो पाई है जिसके कारण सब्सिडी क्लेम नहीं हो पाया है, वह बेहद परेशान है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या सच में सब्सिडी बंद होने जा रही है, क्या सरकार पीएम सूर्य घर योजना को बाइंड अप करने जा रही है। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत इस समय पूरे देश में घरेलू सोलर सिस्टम के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार की ओर से 60,000 और यूपी में राज्य सरकार की ओर से 30,000 यानी 90,000 की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार की ओर से 78,000 और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 30,000, कुल मिलाकर 1,08,000 की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार की ओर से दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी के चलते लोगों में सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जबरदस्त उत्साह है, लेकिन इसी सप्ताह पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आ रहे एक संदेश ने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर एक संदेश आ रहा है, जिस संदेश में कहा गया है, द एप्लीकेशंस व्हिच आर सबमिटेड रीसबमिटेड बिफोर 13 अक्टूबर 2024 अंडर आरटीएस फेज सेकंड सिंप्लीफाइड स्कीम आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी इफ द क्लेम आर सबमिटेड ऑन अवर बिफोर 31 अक्टूबर 2024। देयरफॉर कंज्यूमर्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द सब्सिडी क्लेम ऑन अवर बिफोर 31 अक्टूबर। यानी कि आरटीएस चरण 2 सरलीकृत योजना के अंतर्गत 13 फरवरी 2024 से पहले जमा किए गए या प्री सबमिट किए गए सभी आवेदन सब्सिडी के लिए पात्र हैं, बशर्ते सब्सिडी के दावे 31 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएं। इसलिए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे सब्सिडी का दावा 31 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संदेश में अस्पष्टता होने के चलते ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अभी सोलर लगवाने के लिए वेंडर्स को भुगतान कर दिया है लेकिन उनका सोलर सिस्टम अभी नहीं लग पाया है या फिर जिनका सोलर सिस्टम लग गया है लेकिन अभी नेट मीटरिंग नहीं हो पाई है जिसके कारण वह सब्सिडी क्लेम नहीं कर पा रहे, वह परेशान है। उनको लग रहा है कि क्या अब उन्हें सोलर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस सवाल के जवाब के लिए हमने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पीएम सूर्य घर योजना के हेल्पलाइन पर संपर्क किया और इस नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी चाही कि क्या सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर योजना में दी जा रही सब्सिडी को बंद किए जाने की प्लानिंग है। इस पर हमें बताया गया कि दरअसल काफी लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है लेकिन अभी तक सब्सिडी क्लेम नहीं किया है, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग है। यही कारण है कि सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए एक सूचना प्रदर्शित की गई है जिन्होंने अभी अपनी सब्सिडी की रिक्वेस्ट नहीं डाली है। लेकिन यदि आप अभी सोलर लगवा रहे हैं या फिर लगवाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से फिलहाल सोलर पर सब्सिडी बंद नहीं की जा रही। तो कुल मिलाकर आपको इस मैसेज को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए, सोलर लगवाइए और ग्रीन एनर्जी का आनंद लीजिए। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी और समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।